सो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर ड्रग्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से इंसानों पर या एनिमल्स पर एक्ट करते हैं। ड्रग्स की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिसे इजीली समझ आएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ड्रग्स आता है। सो ये कैटेगरीज इसीलिए हैं ताकि आपको ड्रग्स इजीली समझ आ जाए। सो इस छोटे से वीडियो में हम ड्रग्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो ड्रग्स आखिर होते क्या हैं, ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स मूड अल्टरनिंग सब्सटेंस। सो ड्रग्स आर मूड अल्टरनिंग सब्सटेंस। ड्रग्स मूड अल्टरनिंग सब्सटेंस होते हैं। मूड अल्टरनिंग सब्सटेंस मीन्स जो जिन्हें लेते ही हमारे मूड में चेंज आने लगता है, हमें नींद आने लगती है, या फिर हम एकदम से शांत हो जाते हैं, या फिर एकदम से हम काम करने लगते हैं, तो यही हमारे मूड में चेंजेस आ जाते हैं। तो इन्हीं जो जिस सब्सटेंस से हमारे मूड में चेंज आने लगते हैं उन सब्सटेंस को हम मूड अल्टरनिंग सब्सटेंस कहते हैं, और ड्रग्स एक मूड अल्टरनिंग सब्सटेंस है। सो अब हम इसकी कैटेगरीज के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स। फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है सो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। इट काम्स नर्वस सिस्टम। सो ये क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जब गली मोहल्ले में अगर कोई एनिमल घुसा जाए, जंगली एनिमल जैसे शेर चित्ता, तो उनको ट्रैंक्विलाइजर दिए जाता है ताकि वो शांत हो जाए। अब तब उसको कैप्चर करते हैं और वापस से जहाँ से वो आया है वहाँ पर उसको छोड़ाते हैं, यानी जंगल में। सो इस तरीके से ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इससे नींद नहीं आती है। ट्रैंक्विलाइजर से नींद नहीं आती, सिर्फ हम शांत हो जाते हैं। जिसे भी ये दिया जाए वो शांत हो जाता है बंदा। और ये एंटी एंजाइटिंग भी होते हैं, एंटी एंजाइटिंग भी होते हैं। सो आई होप आप ट्रैंक्विलाइजर्स को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी है सेडेटिव एंड हैप्नोटिक्स। सो सेडेटिव एंड हैप्नोटिक्स से नींद आ जाती है। ये स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं, इनसे नींद आती है। लेकिन ट्रैंक्विलाइजर से नींद नहीं आती, सिर्फ बंदा शांत हो जाता है, लेकिन सेडेटिव एंड हैप्नोटिक्स से नींद आ जाती है। सो थर्ड कैटेगरी में हम ले रहे हैं स्टिम्युलेंट्स को। सो थर्ड कैटेगरी जो है वो स्टिम्युलेंट्स है। स्टिम्युलेंट्स जो है नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं। इट स्टिम्युलेट्स नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं। स्टिम्युलेट करते हैं यानी इनको लेते ही काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा। हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, ना हमें प्यास लगती है। हमें सिर्फ काम करना होता है, हमें काम करना है, काम करना है, बस काम करना है। सो ऐसी जो ड्रग होती है उनको स्टिम्युलेट कहते हैं। माइल्ड स्टिम्युलेंट्स में जैसे आते हैं निकोटीन और कैफीन। निकोटीन और कैफीन माइल्ड स्टिम्युलेंट है, और ये हमें मिलते हैं कॉफ़ी और टी में। ये हमें मिलते हैं कॉफ़ी और टी में। मैं लिख लेती हूँ। माइल्ड स्टिम्युलेंट्स में आते हैं निकोटीन और कैफीन। ये माइल्ड स्टिम्युलेंट है और ये कॉफ़ी और टी में मिलते हैं। लेकिन ये ड्रग की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। जैसे स्टिम्युलेंट्स, ये जो स्टिम्युलेंट है इसको अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा हो जाए तो बंदे की डेथ हो सकती है।
सो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और निकोटीन कैफीन माइल्ड स्टिमुलेंट है जो कि ड्रग की कैटेगरी में आते भी नहीं हैं। सो इनकी थोड़ी बहुत लत हमें लगती है, जैसे हमें चाय पीने की और कॉफ़ी पीने की आदत लग जाती है, और उनको पीते ही हमको थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, काम करने का थोड़ा बहुत मन कर जाता है। तो ये माइल्ड स्टिमुलेंट है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है हेलोसिनोजेंस। सो हेलोसिनोजेंस जो होते हैं वो हेलोसिनेशन क्रिएट करते हैं, काउजिंग हेलोसिनेशन, काउजिंग हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मीन्स जो चीज़ें है ही नहीं वो हमें दिखने लगती है और सुनने लगती है। सो बहुत ही खतरनाक है ये हेलोसिनोजेंस, इनको लेते ही इमेजिनरी पिक्चर्स और साउंड बन जाती है, जो चीज़ें होती ही नहीं है वो हमें दिखने लग जाती है, सुनने लग जाती है, और ये सब होता है इसलिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो होते हैं वो डिप्रेसेंट होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं ये, और प्लस ये होते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर। ओपियोइड्स पेन किलर भी होते हैं और डिप्रेसेंट भी होते हैं। सो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो आई होप आपको ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा और आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपियोइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपके कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। थैंक यू वेरी मच।